नमस्कार, मैं तमन्ना 10th क्लास की स्टूडेंट। नमस्कार, मैं पायल 9th क्लास की स्टूडेंट। नमस्कार, मैं नंदिनी प्लस वन क्लास की स्टूडेंट। नमस्कार, मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं मेघा 11वीं कक्षा की छात्रा। नमस्कार, मैं कीर्ति 10वीं क्लास की छात्रा। नमस्कार, मैं शिल्पा 10वीं कक्षा की छात्रा। नमस्कार, मैं अभिषेक 10th का स्टूडेंट। हमारे साथ हैं हमारे म्यूजिक टीचर डॉक्टर शिंदा शर्मा जी और श्री सुभम गौर जी। हरियाणवी लोक संगीत के बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं हरियाणवी और शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान डॉक्टर तरुण जोशी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों। सर, आप हमें हरियाणवी लोक गायन के विषय में कुछ बताइए। हमारे जो हरियाणा का लोक गायन है उसके अंतर्गत जो आने वाले गीत हैं, विदाई के गीत और सावन के गीत, फागुन के गीत और तीज के गीत हैं जो आमतौर पर गाया बजाया जाते हैं। एक तीज का गीत सुनाता हूँ, एक लाइन में गाऊंगा तो फिर एक लाइन आप गाना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, एक बार सुनो एक बार गाओ। हरियाणवी लोक संगीत को बारीकी से जानने के लिए आइए मिलते हैं महान हरियाणवी गायक श्री गुलाब सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार बच्चों। नमस्कार, आओ। हम आपसे हरियाणवी लोक गायन के बारे में जानना चाहते हैं। बच्चों, ऐसा है, हरियाणा में ज्यादातर जो लोक संगीत है वो रागनी गाई जाती है, जैसे सामवन की रागनी हो गई, जैसे सामवन आता है तो उस हिसाब से रागनी गाई जाती है। अब जैसे फागण आ गया तो उस हिसाब से रागनी गाई जाती है, जैसे जमलन ठाली पचपरी टेडा चल्या कमर खलारी पांच सात छोरिया कमारी फिर मैला में उबर गया हेरा रे 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 हेरा रे 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 हेरा रे 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 फिर मैला में उबर गया। और बच्चों, जैसे सावन का महीना आता है तो हमारी जो पुराना जमाना था उसमें हमारी दादी परदादी सगड़ दादी जो बागों में जाती थी और वहाँ पर झूल गाल कर गाने गाती थी, वहाँ पंडित लक्ष्मीचंद जी ने एक रागनी बनाई है। वो कैसे बच्चे, ये मतलब सावन की रागनी बहुत बढ़िया पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बनाई है कि कैसे हे रचो कर देते बाग हरिया घन घोर घटा सावन की। और बच्चों, छोरी गांव में गीत सुरीले झूल घली कामने की। तो बच्चों, ये ऐसे मतलब जो हमारी ऐतिहासिक रागनियां हैं जो हमारे कवि लिख कर चले गए हैं, वो इसमें मल्हार भी आता है, इसमें विरह भी आता है, श्रृंगार रस भी आता है। बच्चों, हरियाणवी लोक संगीत के बारे में कितनी बारीकी से बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणवी लोक संस्कृति से संबंधित समूह गान के बारे में जानने के लिए आइए हम मिलते हैं डॉक्टर रमा शर्मा जी से। नमस्कार मैम। हम आपसे हरियाणवी समूह गान के बारे में जानना चाहते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार गाए जाते हैं। ओके बेटा, हरियाणवी समूह गान की बात कर रहे हैं। समूह का मतलब क्या हुआ, ग्रुप में गाना। तो ग्रुप में तो वही गाओगे जो ग्रुप वाली बातें होती हैं जिसमें, वही गा सकते हैं। वो बातें कौन सी, जैसे शादी विवाह के गीत हुए वो ग्रुप में गाए जाते हैं, और किसी ऋतु को लेके बारिश की वर्षा ऋतु हो गई या खेतों में काम करती हैं जैसे औरतें, वो भी समूह में गान गाती हैं, मतलब खेतों में काम करती है, खेतों से संबंधित। या धरती हरियाणी की से मारी, या धरती हरियाणी की से
हरी हो या लागे मने चंदन ते प्यारी हो। हम कलऊ समय हरियाणवी समूह गान प्रस्तुत करने आ रहे हैं। इस समूह गान में तीज और फागन का जिक्र है। तीज का त्यौहार सावन मास में आता है। इस दिन महिलाएं झूला झूलते हुए गीत गाती हैं। फागन का त्यौहार फागन महीने में आता है। इस दिन सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। तीज के त्यौहार पर महिलाएं झूला झूलते हुए गीत गाती हैं। चलो गाओ बेबे। झूलने वाली बोल बता के झूलन का टोटा, मैं जानू तने बता दूं ए सुथरा के खोटा। झूलने वाली बोल बता के झूलन का टोटा। हरियाणा राज्य 1 नवंबर सन 1966 को बना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की मुख्य भाषा हरियाणवी है। हरियाणा का मुख्य खान पान दूध, दही, मक्खन, मक्की की रोटी और सरसों का साग है। हरियाणा की महिलाएं दामन, कुर्ती तथा सर पर चुनरी ओढ़ती हैं। हरियाणा के पुरुष धोती, कुर्ता और सर पर पगड़ी पहनते हैं। नमस्कार, हमें बहुत खुशी है कि कला उत्सव 2017-18 के माध्यम से आज हमें अपनी हरियाणवी संस्कृति के विषय में और गहराई से जानने का मौका मिला। यहाँ की वेशभूषा और पारंपरिक लोक गीतों के विषय में हमने जाना। Again, for first position for national. Thank you, ma'am. हम आ रहे हैं कलौ समय धूम मचाने लिए।